नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट में। काफ़ी समय के बाद आज हम आपसे एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जो हमारे रोहित पच्छराज भाई ने भेजी है। कोरोना वायरस की वजह से हम मूवमेंट नहीं कर पाए हैं, अपने घर में रुके हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने हमें एक वीडियो भेजी है जिसमें हम एक ऐसे पशुधन को आप सबसे दिखाने वाले हैं जिसको देख के आप प्रेरित होंगे और जो युवा पशुपालक इस लाइन में काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से एक पशुधन का अच्छा केयर करके काफ़ी अच्छा नाम और इनाम कमाया जा सकता है। तो पूछते हैं उसके बारे में। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, रोहित भाई काफ़ी कम उम्र के युवा हैं जो अपने पिताजी के साथ अपने इस लाइन में काम कर रहे हैं और उनके पास कई इस तरह के पशु हैं जो कई सारे इनाम प्रतियोगिताएँ जीत चुके हैं। इस वीडियो में जैसे ही मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही कोरोना वायरस का लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम उनके फार्म में जाके उनके जितने भी देसी गोवंश है, जो देसी हरियाणा नस्ल का जो गोवंश है उसको दिखाएंगे, मुर्रा पशुधन दिखाएंगे और लगभग उनके सब पूरे फार्म को हम कवर करना जरूर चाहेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी जो आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं, ये पहले दांत की दो दांत झोटी है, उम्र मात्र 29 महीने है। इसके नीचे फीमेल काफ है। दूध की क्षमता आज वर्तमान में भाई के पास 22 किलो इसके दूध तैयार है और ये लगभग 45 दिन की ब्याई हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, रोहित भाई से बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनके सामने वीडियो में दिख रहे पशुधन के बारे में। हाँ, तो रोहित भाई, आपने मेरे पास ये अपने पशु की वीडियो भेजी है, तो हाँ जी मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें हमारे दर्शकों को। भाई साहब, मेरा गांव कड़ौदा है, जिला झज्जर और स्टेट हरियाणा से हूँ। अच्छा जी, तो भाई हाँ जी, और मामन सिंह डेयरी फार्म के नाम से हमारा फार्म है। हाँ ठीक है, तो भाई थोड़ा ये बताएंगे, आपने आपके पास अभी वर्तमान में कितने पशु हैं, पशुधन कितना है, भैंसे और गाय कितने कुल मिला के हैं? भाई साहब, एक तो देसी गाय है जो वो भी जा भी जाती है, मेले में पार्टिसिपेट करती है, कोई ना कोई नाम तो अपने नाम पे जरूर लेके आती है। ठीक है, थर्ड कहीं से। और इससे अलग एक जो विराट बुल है, गीलाइन का विराट बुल, हाँ जी, वो भी हमारे फार्म पे है। उससे अलग भाई साहब एक या जूनियर क्रांति है जिसने 29 किलो 800 ग्राम NDDB के अंदर दूध रिकॉर्ड करवाया हुआ है। ठीक है, और दो जोटी और है भाई साहब, छोटे बड़े पशु मिला के कुल 13-14 पशु है फिलहाल। 13-14 पशु, तो आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं इस लाइन में? भाई साहब, मेरे पापा तो बहुत पहले से कर रहे हैं, मेरे दादा भी कराया करता, और साथ साथ जैसे हमने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा हाँ, 3 साल से काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है भाई साहब, फील्ड से भी और जो मेरा पार्टिसिपेट करते हैं उससे भी। हाँ, तो भाई जैसे कोरोना वायरस की वजह से आपने हमें बुलाया था तो हम आ नहीं पाए, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो वीडियो आपने मेरे पास भेजी है, इस पर्टिकुलर इसी पशु का रिकॉर्ड बताएं, इसकी माँ का रिकॉर्ड बताएं और कौन से बुल की ये जो बेटी है उसके बारे में बताएं थोड़ा। भाई साहब देखो, इसकी माँ का 24 किलो ही घर का रिकॉर्ड है और 24 ही किलो दूध उसने मेडिकल के अंदर रिकॉर्ड करवाया है। कोई घर में और वहां पे कोई ओपरा नहीं मानती, एक सा दूध देती है। अच्छा, भाई साहब ये जोटी पहले ब्यात में है, दो दांत जोटी है, 29 महीने उम्र है और भाई साहब ये 44-45 दिन की ब्याई होली। अच्छा जी, हाँ 22 किलो दूध बिल्कुल काटे के तैयार है। 22 किलो तैयार है अभी इसका? हाँ जी। अच्छा, इसका ये कौन से इस कौन सा सीमेन रखवाया था जिसकी ये बच्ची है, किसकी बेटी है, इसके पिता का नाम क्या है? भाई साहब देखो, ये तो अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है जहाँ से हम लेके आए थे ना। अच्छा, लेकिन जैसे हाँ जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा पूरी डिटेल के साथ जोटी का पूरा बायोडाटा निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो जागरूक भाई है उनको भी पता लग सके कि भाई कौन से बुल अच्छे हैं और कौन से नहीं। ठीक है, अच्छा एक मैं जानना चाहूंगा, इसका जो इसकी जो नीचे फीमेल काफ है, हाँ जी भाई, तो ये इस कौन सा सीमेंट आपने रखवाया था इसके? ये भी भाई साहब सरकारी सीमेंट की है, HLDB के सीमेंट की। HLDB का सीमेंट, हाँ जी। तो कोई नंबर वगैरह आपके अगर ध्यान हो तो? भाई साहब पूरा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पूरी डिटेल के साथ बतावांगे। ठीक है, तो थोड़ा ये बताएं भाई, जैसे आपने ये पशु आप इसकी माँ को लेके आए थे, तो ये 29 महीने जो आपने इसकी उम्र लगभग बताई है, तो क्या ये शुरू से आपके पास ही है? नहीं जी, ये जो लेके आए हैं उसकी माँ हमारे गांव के 15 किलोमीटर दूर गाँव है। अच्छा, उस हाँ उस गांव में खड़ी है, नॉर्मल फार्मर के पास है, किसान के पास है आम खुट्टे पे। अच्छा, हाँ तो जी ये आप डिलीवरी के बाद लेके आए, पहले लेके आए थे?
2 दिन की डिलीवरी हुई थी इसकी। 2 दिन की। तो हाँ जी कुछ इसकी माँ का अच्छा रिकॉर्ड है, तो आपने इसकी डाइट हाँ वगैरह थोड़ा बताएं, अपने क्या क्या डाइट प्लान इसका अभी रखा हुआ, क्योंकि 40-45 दिन के लिए ब्याही हो चुकी है भाई तो। साहब देखो डाइट में तो ये दिनोड़े की खड़ ले रही है, चने हाँ जी ठीक का खांडा ले रही है, है चोकर है, ठीक है। हाँ छिलका है जी और चना है, और साथ में भाई साहब गुड़ वगैरह हो जाता है। ये डाइट है, बिल्कुल नॉर्मल डाइट है भाई कितनी मात्रा, कुल मिला के मात्रा पूछे तो कितने केजी आप साहब। इसको फीड दे रहे हैं? भाई साहब दोनों टाइम का लगभग 6 किलो के आसपास खा रही है, ज्यादा दाना भी नहीं उठा रही जोटी अभी। अच्छा, ज्यादा नहीं खा रही है। हाँ तो भाई आप इस पशु को, पशुधन को आप अपने पास सेल के लिए रखे हैं या फिर इसको नहीं मानो भाई साहब रिकॉर्ड के उसको लिए? बिल्कुल कोई भाई साहब बिल्कुल रिकॉर्ड के लिए रखा गया है, सेल का कोई भी विचार नहीं है। रिकॉर्ड के लिए ही हाँ जी भाई साहब, तो जैसे बहुत। अब करनाल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल का शो था उसमें भी जोटी ने 29 महीने की मिल्क ड्यूटी के अंदर है, बहुत बड़ी बड़ी मैचों को भाई साहब पीछे छोड़ दिया, बहुत हिम्मत मारी है। अच्छा, हाँ सेकंड स्थान प्राप्त करके। बहुत ही बढ़िया। तो भाई काफी अच्छा आपके पास पशुधन है, काफी अच्छे आपके प्लान है, तो बहुत अच्छे अच्छे पशु आप रखते हैं। तो जब भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी आपके पास आने की, तो आपके पास आके आपके लगभग सारे पशुओं को मैं कवर करना चाहूंगा। मैं सब जरूर आओ, मोस्ट वेलकम है। ठीक हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारे मैं वीडियो में आपके डाल दूंगा। हाँ, बहुत है बहुत जी बहुत भाई बहुत साहब, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।